आपसे निवेदन है, आज उत्तम क्षमा का दिन है। एक बात याद रखना, क्रोध का विकल्प क्षमा है। क्षमा धारण करो, क्षमा मांगना मत, क्षमा देना मत। किसने कहा है कि क्षमा मांगो? भगवान महावीर कहते हैं क्षमा मांगोगे तो तुम बहुत छोटे हो जाओगे जीवन में। क्षमा छोटी नहीं, क्षमा तो विराट हुआ करती है। क्षमा तो बहुत, क्षमा मांगने से तो बहुत छोटे हो जाते हो, क्योंकि क्षमा उससे ही मांगते हैं जिससे कोई अपराध हुआ करता है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा है क्षमा मांगने की चीज नहीं है और क्षमा देने की चीज नहीं है, क्षमा तो जीवन में धारण करने की चीज हुआ करती है। क्षमा को जीवन का नेचर बनाओ। क्षमा, एक आदमी ने बोला महाराज कब तक गुस्सा ना करूं? कब तक गुस्सा नहीं करना चाहिए? बोलो, तुमने कहा ना महिलाओं को ज्यादा आता है गुस्सा, कब तक नहीं करना चाहिए? शास्त्रों में भी पूजा में लिखा ना, घर से निकारे तन विदारे बैर जो ना तहां धारे, पढ़ा ना अभी पूजन में, कि घर से भी निकाल दे गाली भी दे दे, घर से निकाले तन विदारे, घर से तुमको कोई निकाल दे तन विदारे, तुम्हारे तन को भी कष्ट पहुंचाए तो भी बैर जो ना तहां धारे, उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। इतना आसान है क्या? बोलिए, घर से निकालना तो छोड़ो, किसी को अभी मैं पंडाल से ही निकाल दूं ना तो फिर देखना महाभारत क्या हुआ करती है। ध्यान रखिए, सोचना क्रोध कब तक ना करें, कोई इसका उत्तर दे सकता है? क्रोध तो आता है ना, जीतना है ना क्रोध को, कब तक क्रोध नहीं करना चाहिए? बोलिए, इस लाइन का क्या अर्थ है, क्रोध कब तक ना करें? एक बात याद रखना, गुस्सा और मुस्कुराहट एक साथ कभी नहीं रहा करती है। ध्यान रखना, यदि चेहरे पर स्माइल है क्रोध भाग जाएगा, और चेहरे पर क्रोध है स्माइल भाग जाएगी।